Dear students, now we are going to study the cluster sampling. Cluster sampling is a method of probability sampling that is often used to study large populations, particularly those that are widely geographically dispersed, and researchers usually use pre existing units such as wards or UCs or blocks as their cluster. क्लस्टर सैम्पलिंग जो है ये तब इस्तेमाल की जाती है जब एक तो आपका सैम्पल साइज बहुत बड़ा हो आपकी पापुलेशन बहुत बड़ी हो और वो पॉपुलेशन डिस्पर्स हो ज्योग्राफिकली और आपका सैम्पल भी डिस्पर्स हो ज्योग्राफिकली और इस पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए आपका जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो रेडली अवेलेबल हो यानी आपको पता है कि आपने जो जो पॉपुलेशन स्टडी करनी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न अवेलेबल है इन शेप ऑफ़ ब्लॉक्स यूसीज और वार्ड्स जैसे कि हम देखते हैं कि सेंसस जब होता है तो सेंसिंग सेंसस uh, में जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसकी अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज होती हैं जिसमें उसने डिवीज़न टू स्ट्रीट लेवल अपने ब्लॉक्स बनाए होते हैं और उसी को वो फॉलो करते हैं इसी तरह क्लस्टर सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो उसमें भी हम ये मैकनिज़म को फॉलो करते हैं कि कैसे हमने अपने क्लर्स क्लस्टर को जो कि हमने बनाए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ जोग्रफिकल पोजीशनिंग तो उन क्लस्टर्स में से कैसे हमने डाटा कलेक्ट करना है तो क्लस्टर सैम्पलिंग को अगर हम देखें तो पहले तो हमें डिफाइन करना होता है कि हमारी पॉपुलेशन है क्या है और उस पॉपुलेशन में से जैसे कि हम कहते हैं वी आर डूइंग द स्टडी फ्रॉम द यूथ बिलोंगिंग एटीन टू ट्वेंटी फाइव एंड स्टडिंग इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान तो हमें फिर इसके क्लस्टर्स बनाने होंगे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो कि फॉर इंस्टेंस पंजाब में हैं या जो सिंध में हैं या जो फिर के पी के में हैं और उस क्लस्टर्स में से फिर हमने यानी अगर तीन पंजाब में क्लस्टर हैं तो रैंडमली एक या दो सिलेक्ट कर लें जो सिंध में हैं उनमें से एक रैंडमली सिलेक्ट कर लें और जो के पी के में से हैं उनमें से एक रैंडमली सेलेक्ट कर लें और ये क्लस्टर जो है इनसे हम जाकर फिर डाटा जो है सिस्टमेटिक वे से कलेक्ट करते हैं बाय फॉलोइंग द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने पढ़ा था केथ नंबर मेथड या रैंडम डिजिट नंबर मेथड तो उन दोनों मेथड से हम फिर इनसे डाटा कलेक्ट करते हैं तो क्लस्टर सैम्पलिंग में जो बेसिक जो रूल है वो यही है कि ये जब जोग्राफिकली डिस्पर्स पॉपुलेशन हो और बड़ी पॉपुलेशन हो और बड़ा सैम्पल साइज हो तब हम ये सैम्पलिंग यूज़ करते हैं और अगर हम कंपैरिजन करें क्लस्टर सैम्पलिंग का स्टेटिफाइड सैम्पलिंग के साथ तो हमें पता चलता है कि जो स्टेटिफाइड सैम्पलिंग है वो डिवाइडेड होती है फ्यू सब ग्रुप्स पे यानी उसके दो या तीन सब ग्रुप्स हो सकते हैं मगर जो क्लस्टर सैम्पलिंग है उसमें मैनी सब ग्रुप्स हो सकते हैं क्योंकि वो जोग्राफिकली डिवाइडेड होंगे तो उसमें हो सकता है कि आप जो पॉपुलेशन है उसको 25 या 50 सब ग्रुप्स में जो है डिवाइड करते मगर स्टेटिफाइड सैम्पलिंग में वो दो या तीन ही सब ग्रुप्स होंगे और दूसरी चीज़ जो है कि स्टेटिफाइड सैम्पलिंग में जो सब ग्रुप्स होते हैं उनमें होमोजेनिटी होती है यानी वो जेंडर की बेस पे है तो तब भी अगर वो किसी और करेक्टरिस्टिक की बेस पे है तो तब भी मगर जो क्लस्टर सैम्पलिंग है उसमें सब ग्रुप्स में हाइड्रोजेनिटी एक्सपेक्टेड होती है और स्टेटिफाइड सैम्पलिंग में जो हैट्रोजिनेटी हम एक्सपेक्ट करते हैं बिटवीन द सब ग्रुप्स यानी एक सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप से मुख्तलिफ हो सकता है मगर हम जो है क्लस्टर सैम्पलिंग में यहाँ पे होमोजेनिटी एक्सपेक्ट करते हैं बिटवीन द सब ग्रुप्स कि वो सब ग्रुप्स तमाम जो है उनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स एक ही तरह की होंगी तो ये एक कंपेरिजन है स्टेटिफाइड और क्लस्टर शैम्पलिंग का तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग है वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है और उसको हम जो है अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे